हाय गाइस, माय नेम इज अरविंद। ये है मेरे पास ओप्पो रेनो 7 प्रो। ये जो है वो ओप्पो का लेटेस्ट डिवाइस है। रेनो सीरीज जो है वो एक कैमरा सेंट्रिक सीरीज है, जहां पे 2019 से स्टार्ट हो गया, आज 2022 तक इन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं इसमें। मतलब इतने सोर्स से फॉर्म फैक्टर में पूरा का पूरा सिनेमा डाल देना, ये सिर्फ ओप्पो के बस की बात है। आई डोंट नो कैसे कर पाता है। यहाँ पे ओप्पो रेनो 7 प्रो 5G, मतलब नाव में 5G है तो आप समझ ही जाते होंगे। यहाँ पे आपको 11 5G की बैंड देखने को मिलते हैं और एक truly 5G device है। इसी के साथ ये पहला फोन बन जाता है जो LDI टेक्नोलॉजी पे बन के रेडी हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल देखने को मिलता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो एविएशन सेक्टर में यूज होती है। और ये एक कलर चेंजिंग बैक है, मतलब अलग अलग अगर आप किसी भी कंडीशन में इसको रखते हो वैसे ही अपने कलर्स को शिफ्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं अनबॉक्सिंग से लेके पूरी की पूरी एकदम गाथा बताने वाला हूँ इन डेप्थ की ओप्पो रेनो 7 प्रो कितना अच्छा आपके लिए और क्या कुछ स्पेशल लेके आता है और कैमरा में इसमें क्या ब्यूटी पैक की है ओप्पो ने। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और उसके बाद शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। अगर आपको जानना है कि आपको क्या फोन में स्पेशल देखने को मिलता है, हाइलाइट्स क्या हैं, तो आपको बॉक्स पे सारा में कुछ मेंशन देखने को मिल जाता है। जहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो लिखी हुई है 47,999 रुपीज़, लेकिन मुझे पता है इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है। और यहाँ पे एक सिंगल वेरियंट में आपको देखने को मिलता है 12GB 256GB, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे। मतलब आपको बिल्कुल भी किसी मेमोरी कार्ड की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेस्ट है। और यहाँ पे एंड्रॉयड मेंशन है और मेड इन इंडिया भी। और इसकी अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करें तो यहां पे हमको सबसे पहले देखने को मिल जाता है एक टीपीयू केस, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और उसके बाद ये यूजर मैनुअल। और उसके साथ हमको यहां पे देखने को मिलता है 65 वोल्ट का सुपर वोक। ओप्पो की ऑलवेज ब्यूटी रही है, हमको पता है। और यहाँ पे यूएसबी टाइप ए टू यूएसबी टाइप सी केबल देखने को मिलती है। तो इतना मसाला इसमें देखने को मिल जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको फोन देखने को मिलता है। और ये जो फोन है वो आपको 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे 2 मेरे पास में है और 1 और देखने को मिलता है। इसमें जो सबसे कमाल का है वो डेफिनेटली यही वाला है जो कलर चेंज कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बिल्ड एंड लुक से, जहाँ पे आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है ये मेटल एंड ग्लास के कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। आपको ड्यूअल टोन कैमरा फिनिश देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरास हैं, यहाँ पे ये जो चौथा है वो डेफिनेटली एक चला हुआ है। यहाँ पे एक कलर टेम्परेचर सेंसर आपको देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन माइक है जिसको हम सेकेंडरी माइक बोलते हैं। और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम रोकर। नीचे की साइड सबसे पहले आपको सिम इंजेक्ट टूल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 2 सिम लगाने का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको 256GB स्टोरेज देखने को मिलती है। उसके बाद प्राइमरी माइक है, यूएसबी टाइप सी है, और यहाँ पे स्पीकर देखने को मिलता है। जो स्पीकर है वो एक ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके। और राइट साइड में ये वॉल्यूम रोकर आपको देखने को मिलता है, इसमें ये ग्रीन एक्सेंट है। चाहे आप कोई सा भी फोन लो, सब में आपको ये वाला देखने को मिलेगा ही। और ओप्पो बोलता है इसको ओप्पो रेनो स्लिमेस्ट एवर, मतलब ओप्पो रेनो सीरीज में आज तक इतना स्लिम स्मार्टफोन जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये ऑलमोस्ट 180 ग्राम का स्मार्टफोन है और ओनली यहाँ पे आपको 7.45 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी है। और यहाँ पे इसका बॉक्सी डिजाइन जो है वो इसको एक बहुत ही कमाल का एक अल्टीमेट लुक देता है। और जो पीछे की तरफ ग्लास देखने को मिलता है वो और लंबे टाइम तक चले, इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन। और सबसे एक कमाल चीज जो ओप्पो ने इंट्रोड्यूस करी है वो है ऑर्बिट ब्रीथिंग लाइट। और ये काम कुछ ऐसे करती है कि यहां पे आपको कैमरा बम पे लाइट देखने को मिलती है, वैसे ही आप चार्जिंग से कनेक्ट करोगे तो ये वाली ब्लिंक करती है, प्लस इनकमिंग कॉल के लिए भी आप इसको कर सकते हो। और ये हर एक ऐप के लिए कस्टमाइज हो जाती है। और एक तो ये क्योंकि नई इंट्रोड्यूस हुई है इसलिए कमाल लगती है, और यहाँ पे कमाल है भी यार। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम इसकी डिस्प्ले से, जो इसका एक मेजर हाईलाइट पॉइंट है। यहाँ पे आपको 6.55 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है। इसमें आपको 920 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और ये बेसिकली डायमेंसिटी 1200 मैक्स पे आती है, जो बेसिकली ओप्पो और मीडियाटेक के कोलैब से बना हुआ है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि कैमरा में और इन्हांसमेंट की जाए और प्लस यहाँ पे डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो और ज्यादा कमाल के आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद बात करूँ मैं इसकी
बेजल्स की, तो आई थिंक बेजल्स में है ही नहीं यार। यहाँ पे आपको 92.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, जिसमें आपकी वीडियो देखने का एक्सपीरियंस जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। चाहे बात करो आप इस पंच होल की, चाहे बात करो बेजल्स की, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे समझ लो कि ओप्पो इसमें डालना ही भूल गया है। और यहाँ पे आपको HDR 10 प्लस देखने को मिल जाता है, वाइड वाइन L1 देखने को मिल जाता है, जिसपे अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे आप HD कंटेंट स्ट्रीम कर पाओगे, जो कमाल की चीज है। और जैसे ही आप फोन को अनबॉक्स करोगे, आपको बहुत सारे प्रीलोडेड एप्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे मोज है, जोस है, तो आप जोस के साथ मोज करना चाहते हो तो उन एप्स का आप रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन डिलीट दैट। यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, आई होप ये 120 हर्ट्ज की होती तो और ज्यादा मजे आ जाते, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि 60 हर्ट्ज से ऑलमोस्ट 2 गुना ये स्मूथ है। और बात करूं डिस्प्ले के साथ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे जो ब्लैक है वो प्योर डीप ब्लैक है। इसके साइड व्यूइंग एंगल्स आप देखो, किसी भी तरीके से आप इसको देखोगे ना, तो आपको एकदम कमाल रंगीनियां फील होने वाली है पूरी की पूरी। और चूंकि ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसलिए इसमें हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और फेस अनलॉक डेफिनेटली देखने को मिलता है। और आपको एक जादू दिखाता हूँ, अगर हम इसके फेस अनलॉक को यूज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। मतलब आज तक हमने देखा होगा कि हाँ सामने कर लो, यहाँ कर लो, लेकिन ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री से भी काम कर जाता है। और बात करें इसके प्रोसेसर की, इसकी ताकत की, तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 1200 Max देखने को मिलता है। ये MediaTek Dimensity 1200 की पावर के साथ साथ कुछ कुछ स्पेशल लेके आता है। यहाँ पे आपको Oppo और MediaTek का कोलैब देखने को मिलता है। ये बेसिकली एक 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ प्रोसेसर है, जहाँ पे आपको हीटिंग बहुत कम देखने को मिलती है। इसी के साथ जो परफॉर्मेंस मिलती है वो डेफिनेटली बहुत ही कमाल की है। और स्क्रीन के कलर्स आपको कुछ और बड़े हुए देखने को मिलेंगे, प्लस जो फोटोग्राफी प्लस वीडियोज हैं उनको और एनहांस किया गया है इसमें। यहाँ पे कलर वाइज देखने को मिलता है, लेकिन ये Android 11 पे बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स मुझे लगता है कि Android 12 पे आना चाहिए था, बट स्टिल आपको बहुत ही जल्दी इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 12GB 256GB वाला RAM एंड स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको LPDDR4X बेस्ड RAM और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज देखने को मिलती है, जिसके चलते इसकी रीड राइट की स्पीड जो है ना वो काफी फास्ट बन जाती है। यहाँ पे आपको Wi-Fi 6 देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, NFC देखने को मिलता है और कैरियर एग्रीगेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो मतलब नेटवर्क के मामले में कोई कंजूसाई नहीं है, सारे के सारे भरपूर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जिस वाइब्रेशन मोटर का ओप्पो ने यूज किया है, वो ओप्पो रेनो 6 सीरीज के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आती है। यहाँ पे अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, एप्स में जा रहे हो, तो अलग अलग टाइप की आपको वाइब्रेशन देखने को मिलती है और ये बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस एड करती है। यहाँ पे जो एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, यहाँ पे ओप्पो का कहना है कि आपको 2 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे, मतलब एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 आपको देखने को मिलेंगे, प्लस 3 साल तक आपको सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेंगे। मतलब आज अगर 2022 चल रहा है, तो आपको 2024 तक इसके सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलने वाले हैं। और उसके बाद बात करते हैं इसकी मेन USP की, जहां पे Oppo Reno 7 सीरीज की बात कर लो, चाहे Oppo के किसी भी स्मार्टफोन की बात कर लो, ये कैमरा पे कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं। अब आप ये पूछोगे इसके कैमरा में स्पेशल क्या है, तो यहां पे आपको देखने को मिलते हैं पोर्ट्रेट मोड्स। मतलब Oppo का कहना है कि आपको बैक कैमरा में पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा, अल्ट्रा वाइड में भी पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा, बुके फ्लेयर मोड्स देखने को मिलेंगे, फ्रंट में भी आपको पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा। मतलब दिन हो या रात हो, लो सिर्फ पोर्ट्रेट। इसे दूध के साथ लो या पानी के साथ? और ये खास इसलिए बन जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मेन कैमरा की, तो यहाँ पे सोनी का सेंसर देखने को मिलता है, सोनी IMX766, जो बेसिकली ज्यादा लाइट कैप्चर करता है। चाहे नाइट फोटोग्राफी की बात कर लो, चाहे डे टाइम की बात कर लो, आपको बहुत ही कमाल की फोटेज देखने को मिलेंगी। बेसिकली यहाँ पे RGB का यूज किया जाता है कैमरा सेंसर में, लेकिन इसमें RGBW का यूज किया गया है, W4 वाइट। यहाँ पे 60% मोर लाइट सेंसिटिव है ये, मतलब ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी फोटोज जो हैं वो और ज्यादा क्वालिटी में आने वाली हैं। और ये जो सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का एक सेंसर है, और उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो चौथा गड्ढा है वो है कलर टेम्परेचर सेंसर, जो आपके कलर्स को मैनेज करेगा बेसिकली। और कमाल के जो आई कैची कलर जो होते हैं ना ओप्पो में, वो यहाँ से ही निकलते हैं। और उसके बाद एक और हाईलाइट पॉइंट, और वो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पे आपको वर्ड्स फेस सोनी IMX709 सेंसर देखने को मिलता है, जो अगेन आपकी फोटोज को 4 चांद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। अगर बात करूं इसके ऑप्शंस की, जो आपको देखने को मिलते हैं मैक्रो मोड, ड्यूअल वीडियो मोड्स, अलग अलग बुके फ्लेयर मोड, जहां पे आप खुद को हाईलाइट करके बैकग्राउंड सारा ब्लर कर सकते हो, अलग अलग और बहुत सारे ऑप्शंस इसमें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने फोटेज ली इसकी, नाइट फोटोग्राफी, इसकी मैक्रो फोटोग्राफी, वो बहुत ही कमाल की है। अगर मतलब आप इस प्राइस रेंज में खोज रहे हो कोई कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन,
स्मार्टफोन, जहाँ पे आप वीडियोज बनाते हो, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, या फिर ट्विटर, कहीं भी, मतलब आपको अगर फोटोज लेना पसंद है, तो इससे बेटर आई डोंट थिंक कोई डील होगी जो आपको कस्टमाइजेशन के भर भर के ऑप्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन थोड़ी सी कमी ये है कि आपको 4K 30 FPS देखने को मिलता है बैक में, और फ्रंट में देखने को मिलेगा 4K 30 FPS, मतलब दोनों ही तरफ आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड करना चाहते हो बैक से, तो वो चीज़ कर पाओगे, लेकिन इसकी क्वालिटी के सामने डेफिनेटली हम 30 FPS को भी मैनेज कर लेंगे। और इसकी सेल्फी क्वालिटी भी आप देखो कितने कमाल के पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं। जैसा कि ओप्पो ने कहा है कि ये सेगमेंट का सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट शॉट लेने वाला फोन है, तो डेफिनेटली ये चीज कहीं ना कहीं होती हुई दिखती है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल आईफोन यूज करता हूं, मुझे पता है कि मैं एक कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल जो पोर्ट्रेट शॉट्स लेता हूं कई बार जो है फ्रेम्स जो है सब्जेक्ट की वो कट जाती है, कई बार ऐसे सब्जेक्ट का कान कट जाएगा, यहां पर अगर हम फोन की फुटेज ले रहे हैं तो फोन की जो फ्रेम्स है वो कट जाएंगे, लेकिन ऐसा इसके साथ मुझे नहीं देखने को मिला। और डेफिनेटली बहुत कमाल की एल्गोरिथम लगाई है ओप्पो ने। और उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और ये इस फॉर्म फैक्टर के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले है प्लस 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो इतना ज्यादा बैटरी कंजम्पशन आपको देखने को मिलेगा नहीं, उसी के साथ 6nm का प्रोसेसर है, तो ये सारी चीजें जो है ना 4500 mAh के अकॉर्डिंग काफी मैनेज हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे आपको 65W की चार्जिंग देखने को मिलती है, जो आपके फोन को महज 30 या 32 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज कर सकती है। और चूंकि कैमरा इसकी मेन USP है, तो मुझे कमेंट में प्यार से लिख देना अगर आपको चाहिए एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू कि कैसे इसके सारे फंक्शन जो है वो काम करते हैं और डेली लाइफ में कितना ज्यादा यूजफुल है, तो आप जैसे लिखोगे कुछ दिनों में आपके लिए इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू आ जाएगा। तो बात करूं इसकी प्राइस की, जो हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि किस प्राइस रेंज में फोन आया, तो यहाँ पे आपको 12GB 256GB क्योंकि एक ही वेरिएंट है वो देखने को मिलता है 39,999 रुपीज में, मतलब 40,000 रुपीज का है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर्स में जाते हो तो हर जगह आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। और चूंकि ये एक ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो आपको अगर ज्यादा डिस्काउंट चाहिए ना, तो ओप्पो के एक्सक्लूसिव शोरूम विजिट करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे बैंगलोर में जयनगर का जो एक्सक्लूसिव शोरूम है वहां पे हूँ, और इन्होंने मुझे बताया कि 10% कैशबैक्स आपको देखने को मिल जाते हैं अगर आप इसको परचेज करोगे तो, प्लस यहाँ पे आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलेंगे और बैक केस देखने को मिलेगा, मतलब मिलेंगे का मतलब ये है कि एक दो बार नहीं भाई बार बार मिलेंगे, जब भी आपका टूट जाता है या फिर बैक केस गंदा हो जाता है आप यहाँ पे आके नया ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे आपको ऑल फाइनेंस अवेलेबल देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आपको 180 डेज का कंप्लीट डैमेज प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब आपके हाथ से फोन गिर के टूट भी जाता है तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर करके देंगे, ये बहुत कमाल की चीज है। तो बेटर है आप ओप्पो के एक्सक्लूसिव शोरूम विजिट करो अगर आप किसी भी स्टेट से देख रहे हो, और यहाँ पे आप बेंगलुरु से देख रहे हो तो डेफिनेटली जयनगर में यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपको सारी की सारी देखने को मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं, तो यहाँ पे ओप्पो ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाया है जहां पे आपका कंप्लीटली रुझान है कि मुझे एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इसको पसंद कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मुझे एक बहुत ही कमाल का ब्यूटी से भरपूर स्मार्टफोन चाहिए, तो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, प्लस जो डिस्प्ले है वो भी बहुत ही कमाल का है, और अगर आप गेमर हो हल्के फुल्के तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, तो ऐसी कोई मेजर चीज नहीं बच जाती है जिसके चलते आप इसको कंप्लीटली डिनाई कर दो। तो बस यार यही है कहानी इसी ओप्पो रेनो 7 प्रो की, बाकी आप मुझे लिख के बताने देना अगर आपको चाहिए एक कंप्लीट कैमरा रिव्यू। तो दैट्स इट यार, आज का जो वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो दबो चलो लाइक बटन को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।